नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। सीआई अमृतसर की टीम ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। 4 किलो आइस ड्रग, 1 किलो हेरोइन की बरामद। जीरा के अवान रोड पर एक व्यक्ति ने तेजधार हथियारों से पूर्व पार्षद पर किया जानलेवा हमला, पूर्व पार्षद हुआ गंभीर घायल। फिरोजपुर पुलिस ने कासो मुहिम के तहत निकाला फ्लैग मार्च, एसएसपी सौम्या मिश्रा ने की अगुवाई। अरब हलचल विस्तार से। सीआई स्टाफ अमृतसर की ओर से सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ गुप्त कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी इंद्रदीप सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान अवतार सिंह निवासी गांव कक्कड़ हालिया निवासी थाना छरटा के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 किलो आइस ड्रग, 1 किलो हेरोइन भी बरामद की है। उन्होंने बताया कि आरोपी की काउंटर इंटेलिजेंस की पुलिस को पिछले एक हफ्ते से तलाश थी। वहीं उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि ये पिछले 4 वर्षों से नशे का कारोबार कर रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इससे पूछताछ की जा सके कि वे ये खेप किसे सप्लाई करने वाला था और कौन कौन इसके साथ शामिल है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आइस ड्रग तो हैरोन दे नाल जुड़िया होया जी। ये कल काउंटर इंटेलीजेंस अमृतसर की टीम को एक गुप्त सूचना मिली ही कि एक व्यक्ति अवतार सिंह सन ऑफ सतनाम सिंह जो कि बार्डर दे पिंड कक्कड़ दा रहण वाला ते जिहड़ा छियाटे उन्हें किराए दे मकान ते रह के ते इत्थे लोकल गाहकां नूं जिहड़ा वा यूजरां नूं ये हैरोन वेचदा वा ते ओह उस इनफॉर्मेशन दे बिहाव ते ऑपरेशन टीम ने उत्थे ट्रैक लाया जी। उत्थे जदों चैकिंग कीती आ ते उत्थे एक दोषी जिहड़ा वा खड़ा व्यक्ति दिखाई दिता जिन्ने कि पिट्ठू बैग पाया होया सी। पिट्ठू बैग की जो तलाशी लई आ तो वो 4 किलोग्राम आइस ड्रग तो 1 किलोग्राम जी हैरोन बरामद हुई आ। इस दोषी की काउंटर इंटैलीजेंस की टीम को पिछले एक हफ्ते तो भाल सी, एक हफ्ते तो सीक्रेट सोर्स लाए हुए सी कि उत्थे यह जी इनफॉर्मेशन ही कि कोई व्यक्ति बॉर्डर के पिंडां दा ते इत्थे सिटी दे विच जिहड़ा वा ये सप्लाई करता हैरोन। वो 4-5 दिन तो यदा जिहड़ा कि इनू वाचिया जा रहा सी। फिर कल शामी मिति 2/5/23 इनू जिहड़ा 2/5/24 ते इनू आपां जिहड़ा वा इनू रेस्ट कर लिया ते इहदे कोल बरामदगी हो गई। जीरा के अवान रोड पर एक पूर्व पार्षद पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए पूर्व पार्षद को सिविल अस्पताल जीरा में भर्ती करवाया गया जहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। तो वहीं ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह पहले एक महिला और एक नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और हवेली के अंदर चले जाते हैं जिनके पीछे पूर्व पार्षद भी हवेली के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता है जिसके पास तेजधार हथियार होता है, वह भी हवेली में चला जाता है और उसके द्वारा पूर्व पार्षद पर हमला कर दिया जाता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मौके पर मौजूद नौजवान ने बताया कि वह ट्रैक्टर ट्राली पर मिट्टी ढोने का काम करता है। वह जीरा के अवान रोड पर स्थित पूर्व पार्षद पप्पू की जगह पर भर्ती डाल रहा था। इस दौरान अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई थी, जब उसने भागकर देखा तो एक व्यक्ति द्वारा पूर्व पार्षद पप्पू पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। उसके द्वारा छुड़वाने पर हमलावर मौके से फरार हो गया और जाते जाते उसे भी देख लेने की धमकी दे दिया। तो वहीं सिविल अस्पताल जीरा में तैनात डॉक्टर हरमन ने बताया कि उनके पास एक घायल व्यक्ति आया था जिसके सिर और हाथों पर गंभीर चोटें लगी हुई थी जिसे प्राथमिक उपचार देने के बाद आगे रेफर कर दिया गया है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। पेशेंट आया सुबह
10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਆਫ ਖਜਾਨਚੰਦ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਸੀ ਸੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਗਾਮ ਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਰਨ ਡੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਡੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੀਏ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਲ ਪਿਆ ਵਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਲਾਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ फिरोजपुर पुलिस द्वारा पूरे जिले में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं ताकि नशा तस्करों और गलत तत्वों पर काबू पाया जा सके, जिसके चलते फिरोजपुर शहर के बांसी गेट और अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए फिरोजपुर की SSP सौम्या मिश्रा ने बताया कि DGP पंजाब के दिशा निर्देशों के अनुसार ऑपरेशन कासू चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र जीरा मक्खू और गुरु हरसहाई में ये कासू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन BSF और पंजाब पुलिस सहित 300 पुलिस कर्मियों के साथ पूरी फिरोजपुर में ये अभियान जारी रहेगा ताकि गलत तत्वों पर काबू पाया जा सके। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। मानजोग DGP पंजाब पुलिस ने हिदायत अनुसार आज जिन्ने भी मार्केट प्लेसेस ते क्राउडेड प्लेसेस हैं फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट दे अंदर उदे विच असी कासो ऑपरेशन ते एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज कर रहे ने। हुणे असी फिरोजपुर सिटी दे अंदर मौजूद ने। इस तो अलावा सब डिविजन जीरा में मखू एरिया में जो सब तो वड्डी मार्केट है, सब डिविजन रूरल में तलवंडी पाई ते गुरु हर साहिब दी जिहड़ी वड्डी मार्केट है उत्थे भी जिहड़े उन्हां दे सब डिविजनल डेप्टी SPs ते बाकी अफसर उत्थे लीड कर रहे ने। इस तो अलावा जिहड़ी छोटी मार्केट्स है उत्थे भी असी कैसो ऑपरेशन कर रहे ने। असी इह कोशिश कर रहे ने कि मार्केट एरियाज दे पास जिन्ने भी व्हीकल्स वगैरह पार्क ने, जो भी पार्किंग लॉट्स हैं या इस तो अलावा जो भी मार्किंग एरिया मार्केट एरियाज दे अराउंड नाकाबंदी हैगी उत्थे जिहड़े भी माड़े अंसर है उन्हां दी चैकिंग कीती जाए। जिहड़े भी बंदे स्पैशली जिहड़े ट्रिपलिंग कर रहे ने या इदां दे बाइक राइडर्स हैगे जिन्हां दी शक्की नंबर हैगी गड्डियों पे, उन पे भी नज़र रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें गुरु नगरी अमृतसर के एक समाज सेवक इंजीनियर पवन शर्मा से पैसों की मांग की जा रही है, जिसमें व्हाट्सएप कॉलिंग कर एक व्यक्ति अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर उक्त समाज सेवक से पैसों की मांग कर रहा है। ये नकली पुलिस अधिकारी की ओर से उसके बेटे को हथियार तस्करी के मामले में छोड़ने की एवज में 50,000 रुपयों की मांग कर रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाज सेवक इंजीनियर पवन शर्मा ने बताया कि उसकी तो शादी भी नहीं हुई है और उसे कहा जा रहा है कि उसके बेटे को उन्होंने गैंगस्टर के साथ पकड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग शरीफ लोगों को डरा धमका कर पैसे मांग रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। DGP साहब गल कर रहे हैं? नहीं, मैं CBI डिपार्टमेंट वालों गल कर रहा हूं, VG मेन सिटी सदर थाने तो। अच्छा अच्छा। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ASI विनोद कुमार। अच्छा अच्छा, दसो दसो कम करो जी। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, घर दे किन्ने मेंबर हो वीर जी? 10 मेंबर है जी। 10 मेंबर? सर बेटा तो अड़ंगते है? बेटा गया, काम गया जी, किते किते गया? बाइक ते गया, गड्डी ते गया? ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ। ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੁਮਾਰ? ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ, ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਲਿਫਟ। ਅੱਛਾ। ਲਿਫਟ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਕਾ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਫਾੜੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ? ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਫਸੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ। ਰਾਹੁਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ।
ਕਰੋ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡੈਡੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਾਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਛਡਾਉਣ ਆਈਏ ਇਹਨੂੰ? ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਛਡਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਹੀਅਰ ਇਸ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਗਾਂ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 50,000 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 50,000 ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ, ਦੱਸੋ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੇਜੋ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ। ਓਪਨ ਕਰੋ ਗੂਗਲ ਪੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਯੈਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖੋ ਨੰਬਰ 7903999 7903 3999 2798 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਨਾਲ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ, ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਜੀ? ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਓ ਫੇਰ ਜਰਾ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਨੈੱਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਆ ਜਰਾ? ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਵਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ IPS ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ +92 ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ CBI ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਪ ਕਾਲਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ IVR ਟਰੈਪਸ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਆ, ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਜੀਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰੰਜਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਚੋਰੀ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤੇ ਥਮਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ ਕੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ, ਜਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੋਰ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਸੇ ਪੀਤਲ ਕਾ ਘੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੇ ਗਏ।
दूसरे दिन चोर मंदिर में से गुल्लक चोरी कर ले गई और तीसरे दिन चोर चांदी का सांप चोरी कर ले गई। हैरानी की बात यह है कि चोर लगातार तीन दिन से वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। तो वहीं लोगों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है जब चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। इससे पहले भी इलाके में चोरी की कई वारदातें हो चुकी हैं। चोर निडर होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हाँ जी, सामान चक के लगे की लगे चक के जी चोर की लगे चक मुझे तो सामान चक के आ गया। आगे भी दो तीन बार आगे भी गल्ला चक के आ गया। गल्ला चक के आ गया उसके बाद एक बार तो बलो भी ला के लगे था। वीडियो भी लगा था। अच्छा जी, तो मोड़ नहीं रहे काफी अपना पहले फोन की लगे हुए चक के फोन की लगे चक के फोन नाग देवता चक के गया ते नाल जोत सी की चक की गया एक पीपल दे पेड़ ते वो लगाई ओम लगाई वो चक आ गया। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭੇਤੀ ਲਾਗਾ ਨੇ ਛੇੜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛੇੜੀ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਬਸਤੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। लोक सभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने हेतु पठानकोट पुलिस द्वारा लमीनी में ऑपरेशन कासो के तहत सर्च अभियान चलाया गया जिसमें लगभग 50 पुलिस कर्मचारियों ने विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी सुमेर सिंह मान ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्र के अधिकारियों की अगुवाई में पूरे पठानकोट में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। खासकर जिन लोगों पर एनडीपीएस के तहत मुकदमे दर्ज हैं उनके घरों की तलाशी ली गई है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जी, अज आप कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। मानयोग स्पैशल डीजीपी पंजाब की जिहड़ी डायरेक्शन है तो सुपरविजन अपने एसएसपी साहब की है तो उन्होंने हिदायत से अज आप लमीनी च कैसो कर रहे हैं। मेरे नाल एसएचओ डिवीजन नंबर 1 है, इस तो अलावा एसएचओ डिवीजन नंबर 2, एसएचओ ममून, एसएचओ नंगलपुर भी इस पूरे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन से पार्टीसपेट कर रहे हैं। ये मैं सब डिवीजन सिटी की गल कर रहा। इस तरह ही ये जरा कैसो है सब डिवीजन रूरल से सुजानपुर से भी किया जा रहा तो पूरे पठानकोट से ओवरऑल ये कैसो ऑपरेशन चल रहा। ये तो मेन मुद्दा यह है कि जिन्हों के उपर एन डी पी एस के मुकदमे दर्ज है उन्होंने आप गहन चैकिंग कर रहे हैं, उन्होंने घर की भी सर्च कर रहे हैं ताकि कोई सानू ऑब्जैक्शनेबल चीज़ मिलती है आप रिकवर करिए बनती कानूनी कार्रवाई करिए। पूरे विश्व में 3 मई को प्रेस आज़ादी दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत झंडियाला गुरु में प्रेस वेलफेयर क्लब की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रेस आज़ादी दिवस पत्रकार भाईचारे की ओर से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर मनाया गया। इस मौके पर प्रेस वेलफेयर क्लब जिला अमृतसर के प्रधान परमिंदर सिंह जोसन और उप प्रधान आर पी शर्मा ने बताया कि अलग अलग विभागों के पत्रकार भाईचारे की ओर से 3 मई को ये दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को हक व सच की आवाज़ बुलंद करने की आज़ादी मिली हुई है। मौके पर पत्रकार आरपी शर्मा, अश्विनी शर्मा, जसपाल शर्मा, दयाल अरोड़ा, सुरेंद्र पाल सिंह भी मौजूद रहे। झंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। प्रेस आज़ादी दिवस दुनिया भर में वक्त वक्त अखबारों में काम करते पत्रकार भाईचारे वालों मिल बैठ के मनाया जाता है। प्रेस में जिहड़ी आज़ादी मिली इस वास्ते बहुत लंबा संघर्ष पत्रकारिता विच पत्रकार वीरां नूं करना पिया। इस पेशे विच पत्रकार वीरां नूं कई थावां ते जानां वी गवाउणियां पईआं पर कई थावां ते पत्रकारां नूं इंसाफ मिलिया कई थावां ते नहीं मिलिया। प्रेस जिहड़ी आ देश दे 4 स्तंभां दे विचों मुख स्तंभ गिणिया जांदा वा जिस दी प्रशासन नूं वी राखी करनी इहनां नूं पहल देणी बणदी आ। श्री गौरी शंकर मंदिर ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बस्ती पीरदाद में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कथावाचक देवकी नंदनदास गोकुल वालों ने उपस्थित भक्तों को भागवत कथा का रसपान करते हुए बताया कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें बुरे कर्मों के फल का भागीदार बनना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने अंदर दोष नहीं देख पाते जबकि हमें दूसरों के दोष देखने में आनंद आता है। इस आदत के कारण जीवन बहुत कष्ट से कटता है। वे उन्होंने कहा कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जब हम
किसी की बुराई करते हैं तो हमें बुरे कर्मों के फल का भागीदार बनना पड़ता है। इस अवसर पर पंडित राजकुमार तिवारी और पंडित मनोज शास्त्री की अध्यक्षता में चल रही भागवत कथा के समापन पर संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। संत सम्मेलन में सतगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर के महामंडलेश्वर 1008 महंत केशव दास महाराज, महामंडलेश्वर महंत बंसी दास महाराज सहित महापुरुषों ने सम्मिलित होकर सत्संग के माध्यम से उपस्थित भक्तों को कृतार्थ किया। इस कथा के विश्राम से पहले किए गए हवन यज्ञ में सभी यजमानों ने आहुतियां डाली और बाद में आरती कर कथा को विश्राम दिया, जिसके बाद भंडारा भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, हेमंत ऋतु आई और छोटी छोटी गोपियां जिनकी उम्र 6-7 वर्ष की है वो सुबह सुबह अमृत वेला में चली जाती है जमुना किनारे, और जमुना किनारे पे जा करके जमुना की रेत से कैतनी देवी की मूर्ति बनाती है और षोडोकार से पूजन करके कैतनी देवी से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? सुखदेव जी कहते हैं ये श्लोक जो है जो वो गोपियां प्रार्थना करती है, ये श्लोक श्लोक नहीं मानो मंत्र है, क्योंकि कहते हैं जिन कुमारी कन्याओं के विवाह का समय हो चुका है, अच्छा वर नहीं मिल रहा, अगर वो इस श्लोक का जो कि मंत्र के समान है 40 दिन तक लगातार जाप करे तो सुंदर वर की प्राप्ति होती है। क्योंकि गोपियां भी कहते देवी की मूर्ति बना करके जिनकी उम्र 6-7 वर्ष की है वो यही प्रार्थना करती थी। वो क्या श्लोक है? कैतेनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी, कैतेनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पति ने कुरुते श्री तपकेश्वर महादेव महाआरती सेवा परिवार लुधियाना की तरफ से पंडित सौरभ भारद्वाज पंडित मनीष शास्त्री के सानिध्य में उत्तर भारत के महान तीर्थ सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर जालंधर में ढोल नगाड़ों के साथ 501 दिव्य ज्योतियों से 5 मई 2024 रविवार को विश्वमुखी मातृपुर मालिनी जी की महाआरती की जाएगी, तो वहीं हजारों भक्त अलौकिक दृश्य के साक्षी बनेंगे। उपरोक्त जानकारी श्री देवी तालाब मंदिर जालंधर के महासचिव राजेश विज ने श्री तपकेश्वर महादेव महाआरती सेवा परिवार लुधियाना के आकाश खरबंदा सुरेश कुमार मनीष गर्ग को महाआरती के सेवा अधिकार देते हुए दी। श्री तपकेश्वर महादेव महाआरती सेवा परिवार लुधियाना के प्रमुख सेवादार आकाश खरबंदा ने बताया कि सनातन धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु व युवा पीढ़ी को सनातन धर्म से जोड़े रखने के लिए सेवा परिवार की तरफ से सिद्ध शक्तिपीठों व विभिन्न मंदिरों में ढोल नगाड़ों के साथ महाआरती की जाती है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जय माता दी। श्री तपकेश्वर महादेव महाआरती सेवा परिवार लुधियाना की तरफ से सिद्ध शक्तिपीठ श्री तालाब मंदिर में 501 दिव्य ज्योतों के साथ 5 मई शाम 7 बजे दिव्य महाआरती माँ की भगवती की जाएगी। आप सभी भक्तों से सविनय निवेदन है कि इस महाआरती में उपस्थित होकर माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। रीटा गुलाटी अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में किया गया। इस मौके पर भक्ति गायक सुरेश मेहंदी रत्ता लुधियाना वालों ने संकीर्तन कर स्वर्गीय रीटा गुलाटी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व CPS KD भंडारी, बंटी कपूर, राजीव सोंधी, पूर्व मेयर जगदीश राजा, सलील बहारी, मोहन सिंह, डॉक्टर विनय महाजन, संदीप मदान, आरके गांधी, अवनीश अरोड़ा, पंकज शर्मा, राकेश शर्मा, कवि श्रीमंत पसरीचा, साहिल खन्ना व पारिवारिक सदस्यों में पति अशोक गुलाटी, अभिनव, अभिषेक, नंदिता, वानी, आशना, हर्षित कपूर, वासुदेव गुलाटी, मानिक गुलाटी, हिमांशु गुलाटी,
पारुल गुलाटी, कपिल गुलाटी, नितिन गुलाटी, गौरव आहूजा सहित व्यापारिक, राजनीतिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय रीटा गुलाटी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब एक जरूरी सूचना, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं गुमशुदा अर्जुन की है, जो कि मकान नंबर NK20 कोतवाली बाजार चारंदर का निवासी है, जिसकी उम्र 38 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच और रंग साफ है, जो कि 30 अप्रैल 2024 को दोपहर 4 बजे से लापता है। अगर किसी को इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो मोबाइल नंबर 9645932 4987602793 पर या थाना डिवीजन नंबर 2 पर संपर्क कर सकती हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। सीआई अमृतसर की टीम ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, 4 किलो आइस ड्रग, 1 किलो हेरोइन की बरामद। जीरा के अवान रोड पर एक व्यक्ति ने तेजधार हथियारों से पूर्व पार्षद पर किया जानलेवा हमला, पूर्व पार्षद हुआ गंभीर घायल। फिरोजपुर पुलिस ने कासो मुहिम के तहत निकाला फ्लैग मार्च, एसएसपी सौम्या मिश्रा ने की अगुवाई। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।